हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी। मैं हूं अंशु आनंद। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। ये वीडियो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इस वीडियो में आज का टॉपिक है बोर्ड एंड स्ट्रीम। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बोर्ड एंड स्ट्रीम के ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट और इससे जुड़े क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बात करने वाला है स्टिल वाटर की, यानी स्थिर जल की। अगर देखिए, अगर पानी जो है स्थिर है तो नदी या जल का जो है, नदी का या फिर तालाब का जल जो है स्थिर है, तो यहाँ पे जो है उसकी रफ्तार जल की होने वाली है जीरो। तो इसीलिए जो है इसे स्थिर जल कहा जाएगा, ठीक है। और अगर स्टीम की बात करें तो, अगर स्टीम आप जानते ही हैं कैसे स्टीम अगर उठती है, अगर बात करें किसी नदी या तालाब में अगर धारा कैसे बहती है, तो आपको पता ही होगा अगर हवा तेज से चल रही है तो अपने आप जो है नदी में या तालाब में धाराएं उठने लगती हैं। तो उसे स्पीड को मान लेते हैं सीएस किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिनोट करने वाले हैं स्पीड ऑफ बोट को बीएस किलोमीटर पर हावर से, और स्पीड ऑफ करंट को सीएस किलोमीटर पर हावर। स्टीम ऑफ बोट मतलब नाव की चाल, और स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा की चाल। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहां है डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड को धारा की दिशा में चाल भी कहते हैं, धारा की दिशा में चाल भी कहते हैं, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात की जाए तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है, अगर हम जैसे कि मान जाइए अगर किसी जल में तैर रहे हैं या फिर नाव से सफर कर रहे हैं, अगर देखिए जिधर हवा चल रही है या जिधर धारा बह रही है नदी में, ठीक है, हम अगर उधर की ओर ही अब जाएं तो क्या होगा, वहां पे हमारी जो चाल होगी और धारा की चाल दोनों क्या होगा, एड हो जाएगा। इससे हमारी स्पीड और ज्यादा इंक्रीज होगी, तो इसे डाउन स्ट्रीम स्पीड भी कहते हैं। तो यहाँ पे धारा की दिशा में चाल जो हो जाएगी, नाव की चाल बी एस प्लस धारा की चाल सी एस, ठीक है। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा बी एस प्लस सी एस, ठीक है। अप स्ट्रीम स्पीड की बात करें तो मतलब धारा के विपरीत दिशा में चाल की। अगर जैसे हम किसी तालाब या नदी में जो है धारा के विपरीत अगर तैर रहे हैं, या जिधर से हवा चल रही है उसके विपरीत हम तैर रहे हैं, या फिर नाव से सफर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि नाव को उधर जाने में या हमें तैरने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। इससे क्या होगा, हमारा जो नॉर्मल स्पीड होती है थोड़ी सी उससे घट सकती है। तो यहाँ जो है धारा के विपरीत चाल की बात करेंगे तो नाव की चाल और माइनस क्या कर देंगे, धारा की चाल। तो नाव की चाल ले लेते हैं यहाँ पे बी एस और धारा की चाल सी एस। तो इस तरह से अप स्ट्रीम स्पीड मेरी निकल के आई, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो है पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इससे ही क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं, ठीक है। स्थिर शांत या शांत जल में नाव की चाल की बात करें तो यहाँ पे जो फार्मूला मेरा लगने वाला है, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड बाई टू, यानी मतलब धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल को जोड़ के बाई टू कर देते हैं, तो वहां पे क्या निकल के आता है मेरा, स्थिर या शांत जल में नाव की चाल। तो यहाँ पे स्थिर या शांत जल में नाव की चाल यहाँ पे बात करेंगे तो धारा की दिशा में चाल मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने पीछे बताया था धारा की दिशा में चाल यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड डी एस, और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या था यहाँ पे, अप स्ट्रीम स्पीड यानी यू एस अपान टू, ठीक है। उसी तरह से अगर हम धारा की चाल की बात करें तो धारा की चाल अगर निकालना हो, अगर आपके पास सिर्फ डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दिया हो, यानी धारा की दिशा में चाल दिया हो और धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे और बाई टू कर देंगे, तो यहाँ पे निकल के आएगी धारा की चाल। तो धारा की दिशा में चाल को ले लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स डी एस, ठीक है, और माइनस क्या कर देंगे, यानी धारा की दिशा में चाल यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी डी एस माइनस अप स्ट्रीम स्पीड यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल माइनस डी एस, ठीक है, अपॉन टू कर देंगे। इस तरह से मेरा आने वाली है धारा की चाल। तो चलिए बिना किसी देर के क्वेश्चंस को लेते हैं और देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इससे जो है क्वेश्चन हल करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताने वाला हूं स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है टाइम एंड डिस्टेंस के, तो कॉन्सेप्ट तो टाइम एंड डिस्टेंस का यूज होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है बोट एंड स्ट्रीम का भी इसमें लगेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं कुछ बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस और समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे दिया है एक व्यक्ति नदी में धारा के विपरीत जो है 32 किलोमीटर पर हावर, धारा की विपरीत कितना जा रहा है 32 किलोमीटर पर हावर, और धारा की दिशा में कितना जा रहा है यहाँ पे 36 किलोमीटर पर हावर।
धारा की विपरीत कितना 32 किलोमीटर पर हावर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ पे क्या निकालना है, शांत जल में व्यक्त की चाल। तो शांत जल में व्यक्त की चाल मैंने बताया था, यहाँ पे जो है हमको बीएस निकालना है, शांत जल में जो व्यक्त की चाल जो हो जाएगी यहाँ पे धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में चाल बाई टू कर देंगे। ठीक है, तो धारा की दिशा में 36 है और धारा के विपरीत दिशा में 32 है, अपान टू कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 68 अपान टू, तो इस तरह से 34 किलोमीटर पर हावर। तो 34 किलोमीटर पर हावर क्या हो गया, व्यक्त की जो है शांत जल में चाल। तो 34 ऑप्शन नंबर सी किलोमीटर पर हावर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है एक व्यक्ति जो है नदी में धारा के विपरीत जो है 36 किलोमीटर पर हावर और धारा की दिशा में 48 किलोमीटर पर हावर जा सकता है, तो धारा की चाल निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए धारा की दिशा में कितना दिया है, 36 किलोमीटर पर हावर। तो धारा की चाल का मैंने फार्मूला बताया था, धारा की चाल होती है धारा की दिशा में चाल, ठीक है, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में चाल बट्टा दो, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड बाई टू। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया है, यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में नहीं, धारा के दिशा विपरीत दिशा में दिया है 36 और धारा की दिशा में 48, तो 48 है डाउन स्ट्रीम और 36 है यहाँ पे अप स्ट्रीम, बाई टू कर देंगे तो इस तरह से 12 अपॉन टू इस तरह से निकल के आया मेरा 6 किलोमीटर पर हावर स्पीड जो है इसकी धारा की हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 4.8 किलोमीटर दूरी को 8 मिनट में तथा धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी को 9 मिनट में तय करती है, धारा की चाल निकालिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें पहले निकालना है अप स्ट्रीम स्पीड, उसके बाद डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना है, तो उसके बाद उसका यूज करके मुझे धारा की चाल निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम बात करें डाउन स्ट्रीम स्पीड की, डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए दूरी कितनी दी हुई है 4.8 किलोमीटर, कितने समय में चल रहा है वो नाव, 8 मिनट में, 8 मिनट में चल रहा है तो 8/60 कर देंगे, ठीक है। तो ये धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना है, तो 4.8 इंटू 60 अपान क्या कर देंगे 8, क्योंकि ये जो है ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे मैंने 8 मिनट में दिया था, इसको 2/60 कर दिया जिससे वो घंटे में परिवर्तित हो गया, ठीक है, तो किलोमीटर पर हावर में इसका वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 8 × 48 = 36, तो 36 जो है किलोमीटर पर हावर जो है इसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो उसी तरह से जो है यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल जो निकालनी होगी, तो यहाँ पे उतना ही दूरी है लेकिन कितने समय में 9 मिनट में तय करिए, कितने समय में 9 मिनट में अपान 60 कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप इसको हल करेंगे 4.8 इंटू 60 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो 32 किलोमीटर पर हावर निकल के आएगा इसका आंसर, ठीक है, 32 किलोमीटर पर हावर इसका आ गया डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड। इस तरह से अगर आप जो है धारा की चाल निकालेंगे तो धारा की जो चाल हो जाएगी, धारा की चाल जो हो जाएगी यानी सी एस करेंट स्पीड, स्पीड ऑफ करेंट, ठीक है, ये हो जाएगी 36 माइनस 32 अपॉन 2, यानी कि 36 मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल माइनस धारा की दिशा में चाल अपॉन 2, ठीक है, धारा के दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल बटा 2, इस तरह से करा मैंने, और 4/2 इस तरह से 2 किलोमीटर पर हावर इसका स्पीड निकल के आ गई, ठीक है, 2 किलोमीटर पर हावर जो है धारा की चाल है वहां पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे दिया है शांत जल में नाव की चाल 9.5 किलोमीटर पर हावर है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है। यदि जो है नाव बिंदु ए से बी तक जाने में और बिंदु बी से ए तक आने में 114 मिनट का समय लेती है तो बिंदु ए से बी तक की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पहले क्या निकालना है, डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड को निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए डाउन स्ट्रीम स्पीड को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे शांत जल में चाल दिया है और धारा की भी चाल दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड जो हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब नाव की चाल प्लस धारा की चाल, ठीक है, तो
नाव की चाल क्या है 9.5 और धारा की चाल क्या है 2.5 किलोमीटर पर हावर। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा मेरा 12 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो निकालेंगे यहाँ अप स्ट्रीम स्पीड यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल, तो 9.5 जो है नाव की चाल माइनस धारा की चाल कितनी है उसको घटा देंगे आपस में, तो यहाँ पे निकलेगा 7 किलोमीटर पर हावर यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में चाल। अब हमको निकालना है कि ए से बी के बीच की दूरी। ठीक है, तो ए से बी तक की बीच की दूरी को मान लेते हैं एक्स, एक्स किलोमीटर इसके बीच की दूरी है। तो यहां पे जब एक्स किलोमीटर इनके बीच की जो दूरी है, तो यहां पे अगर समय की बात की जाए तो समय से हम इसको जो है तुलना करते हैं। ठीक है, तो ए से बी तक जा रहे हैं और बी से ए तक आ रही है, समय कितना लग रहा है 114 मिनट। यानी मतलब ए से बी तक जाने में मान लेते हैं T1 और बी से ए तक आने में मान लेते हैं T2 समय लग रहा है, और टोटल समय कितना है 114 मिनट। ठीक है, तो यहां पे जो है T1 जो है हमें कैसे निकालना है। यहां जो है देखिए T1 जो समय लग रहा है वो धारा की दिशा में लग रहा है। ठीक है, धारा की दिशा में जाने में लग रहा है, तो T1 है 12 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जाने में T1 समय लग रहा है। तो मान लेते हैं यहां पे मैंने माना है दूरी, तो यहां पे आपको होता है टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड आपकी जो है 12 किलोमीटर है और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है x किलोमीटर, तो यहाँ पे x अपॉन 12 प्लस क्या हो जाएगा x अपॉन 7। ये क्या है x अपॉन 7, x डिस्टेंस है और 7 है डाउन अप स्ट्रीम स्पीड। क्या है अप स्ट्रीम स्पीड, और इससे जो है निकाल लेंगे हम विपरीत दिशा में आने में लगा समय, धारा के विपरीत दिशा में आने में लगा समय। दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा 114 मिनट आ रहा है, तो 1/60 कर देंगे क्योंकि इसको घंटे में चेंज करना है। ठीक है, अपन 60 कर देंगे तो 114 मिनट को 60 से भाग देंगे, यहाँ पे निकल के आएगा मेरा घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 12 × 7 = 19x / 84 यानी 12 × 7 लिख देते हैं यहाँ पे, और 114/60। तो यहाँ अगर आप इसको कट करते हैं तो 12 × 5 = 60। ठीक है, तो x इक्वल टू यहाँ पे मेरा निकल के आएगा 114 × 7/5 × 90। ठीक है, इसको अगर आप हल करते हैं तो 798/95। तो इस तरह से जो है 8.4 जो है किलोमीटर इसका आंसर सही है, 8.4 किलोमीटर आपका निकल के आएगा। इसको आप जो है डिवाइड करेंगे तो 8.4 किलोमीटर ये जो है इसका पहला आंसर सही है, KMPH नहीं रहेगा किलोमीटर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 36 किलोमीटर है, यदि कोई नाव शांत जल में 6 किलोमीटर पर हावर के वेग से चलती है, यदि नाव धारा की दिशा में जाती है तो धारा के विपरीत दिशा जाने की तुलना में 8 घंटे कम समय लेती है, तो धारा की चाल क्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं धारा की चाल की। धारा की चाल को मान लेते हैं यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक्स किलोमीटर पर हावर, यहाँ पे इसकी स्पीड है धारा की स्पीड। तो अगर हम बात करें धारा की दिशा में जाने पे मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड की, तो 6 + x हो जाएगा क्योंकि 6 जो है नाव की शांत जल में चाल है। उसी तरह से धारा के विपरीत दिशा में जाने में 6 - x हो जाएगा, ये 6 क्या है नाव की शांत जल में चाल, -x मतलब करंट की चाल घटा देंगे तो इससे धारा के विपरीत दिशा में चाल निकल के आएगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे निकल के आया धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल नाव की। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है समय क्या यहाँ पे समय क्या लग रहा है, यहाँ 8 घंटे दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, धारा की दिशा में जाने में और धारा की विपरीत दिशा में जाने में दोनों का समय का अंतर कितना है 8 घंटे लग रहा है, 8 घंटे समय का अंतर यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे समय का अंतर जो है धारा की दिशा में जाएंगे तो कम समय लगेगा, धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो मुझे क्या करना है T2 - T1 कर देना है इक्वल टू क्या है 8 hours दिया है, T2 - T1 क्या है 8 hours दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जो है धारा की दिशा में चाल, यहाँ समय की बात होगी तो समय की बात करते हैं, तो समय इक्वल टू होता है डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड, इसी फार्मूले से इसको रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए धारा के विपरीत दिशा में चाल, यहाँ समय ज्यादा लगेगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा 36 किलोमीटर तो पूरा डिस्टेंस है, अपान क्या कर देंगे 6 - x। अब यहाँ पे फिर
यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ 36 अपन क्या कर देंगे 6 प्लस एक्स, ये क्या है धारा की दिशा में चाल, ये वाला धारा के विपरीत दिशा में चाल, दोनों को घटाया मैंने और ये अंतर आया मेरा 8 घंटे का। ठीक है, यहां से जो है आप जो है इसको सॉल्व करेंगे 36 कॉमन लेके, तो यहाँ पे 6 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। अगर और भी सॉल्व करते हैं इसको तो यहां जो है निकल के आया मेरा ये 6 से 6 कटेगा, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। स्टूडेंट्स यहां पे आ गया 72x अपॉन 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 8। तो यहां पे अगर आप कट करते हैं, ठीक है, 9 बार में कट होगा ये, इस तरह से जो है 36 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9x निकल के आया यहां पे। आप इसको जो है पक्षांतरण करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36 इक्वल टू 0, एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे 12 और 3 और 12 का कुछ आ रहा है, ठीक है, बाकी है 36, इस तरह से जो है मेरा यहाँ पे निकल के फैक्टर आएगा। तो यहाँ जो है आप सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे रख देते हैं माइनस 3x और प्लस 12x माइनस क्या हो जाएगा 36 बराबर 0। ठीक है, x अगर कॉमन ले यहाँ से x माइनस 3 हो जाएगा और प्लस 12 कॉमन ले तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ जो है आप जो है यहाँ से फैक्टर में निकल गया एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो है एक्स इक्वल टू 3 जो है पॉजिटिव वाला लेंगे तो एक्स इक्वल टू 3 किलोमीटर पर हावर, यही क्या है सी एस, मैंने यहाँ पे जो माना था ये सी एस, यही सी एस जो है एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3 किलोमीटर पर हावर यानी धारा की चाल। तो 3 किलोमीटर पर हावर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां दिया है एक नाव धारा के विपरीत 10 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है, 10 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर दूरी को 1 घंटे में तय करती है। स्थित जल में जो है नाव की चाल ज्ञात करना है, नाव की चाल निकालनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 10 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय कर रही है, तो यहाँ पे यहाँ जो है धारा के विपरीत है तो यूएस हो जाएगा, मतलब अप स्ट्रीम स्पीड, यूएस मतलब 10 अपान 1 10 किलोमीटर पर हावर, ये क्या है धारा के विपरीत चाल है। और डीएस क्या यहाँ पे आ गया 20 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में, तो 20 अपान 1 क्या कर देंगे यहाँ पे 20 किलोमीटर पर हावर, ये जो है इसकी स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, स्थिर जल में नाव की चाल जो निकालेंगे मतलब नाव की चाल जो है बीएस निकलेगा स्थिर जल में, क्या हो जाएगा यहाँ पे डीएस माइनस यूएस अपॉन 2, डीएस माइनस यूएस अपॉन 2, 20 माइनस 10, 20 क्या है डीएस है मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल है और यूएस क्या है धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल है, अपॉन 2 कर देंगे तो यहाँ पे 10/2 इस तरह से 5 किलोमीटर पर हावर इसकी आंसर आया। ठीक है, तो यही जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे दिया है एक लड़का धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लेता है और धारा के विपरीत 5 किलोमीटर जाने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लेता है, तो धारा की चाल। यहां पे स्टूडेंट्स आपको देखना है दूरी दिया है, समय दिया है, इससे निकाल लेंगे क्या स्पीड, क्या निकाल लेंगे स्पीड। तो यहां देखिए अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करें धारा की दिशा में जाने में तो 15 किलोमीटर जाने में जा रहा है, ठीक है, 15 किलोमीटर जाने में 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट की बात करें 3 आवर 45 मिनट को ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 से 3/4 आवर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको करेंगे तो 4 × 12 = 15 15/4 हावर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 15/4 से यहाँ भाग दे देंगे, 15/4 से यहाँ पे क्या करेंगे भाग दे देंगे,
तो अगर 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, तो यहाँ 4 किलोमीटर पर आवर इसका क्या है, धारा की दिशा में चाल नाव की निकल जाएगी। ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में यहाँ पे चाल निकालेंगे, यहाँ पे दिया है धारा का विपरीत 5 किलोमीटर जा रहा है, कितना जा रहा है 5 किलोमीटर, 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे, 2.5 को लिख सकते हैं 2 सही 1/2, यानी 5/2, 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ 2 आवर्स 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 सही 1/2 आवर्स या 5/2 आवर्स, तो यहाँ पे आप रखेंगे तो इस तरह से निकल के आएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल के आई 4 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम स्पीड निकल के आई 2 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है, धारा की चाल निकालना है। सी एस इज इक्वल टू मैंने बताया था धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल बट्टा दो। धारा की दिशा में चाल मैंने निकाला है 4, और धारा के विपरीत दिशा में 2/2, 4 में से 2 घटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2/2 मतलब 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर क्या है यहाँ पे, करंट की स्पीड है या स्ट्रीम की स्पीड है या धारा की चाल है। समझ में आया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है एक आदमी को धारा की दिशा में 2 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा में 2 किलोमीटर जाने में 60 मिनट का समय लगता है, और धारा के दिशा में 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो शांत जल में नाव द्वारा 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो पहले हमें शांत जल में नाव की चाल निकाल के उसमें जो है 5 में उससे भाग देंगे, तो इस तरह से निकलेगा जाने में समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जो है धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर जाने में 60 मिनट समय लग रहा है। ठीक है, तो धारा की विपरीत जो है यूएस इक्वल टू हो जाएगा, मतलब यूएस मतलब चाल ही है, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी 2 किलोमीटर अपान लिया गया समय जो है 60 मिनट, तो 60/60 जो है कर देंगे, तो इस तरह से आ जाएगा घंटे में, तो 2 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे क्या निकल के आएगा, धारा के विपरीत दिशा में चाल। अब धारा की दिशा में चाल मतलब डीएस की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे धारा की दिशा में जा रहा है 1 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है 10 मिनट, 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट का समय लग रहा है, 10/2 क्या कर देंगे यहाँ पे 60, इस तरह से घंटा निकल आएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा जाने में लगा हुआ जो है जितना दूरी लगी है वहां पे 1 किलोमीटर अपान जो है समय लगा यहाँ पे 10/60 आवर, 10/60 आवर। तो यहाँ पे अगर आप जो है इसको कट करते हैं तो यहाँ 6 किलोमीटर पर आवर क्या है यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल के आई। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर है डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी धारा की दिशा में चाल, और 2 किलोमीटर पर आवर है अप स्ट्रीम स्पीड यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल, और इस तरह से मैं धारा की दिशा में जो चाल हो जाएगी मतलब शांत जल में नाव की चाल निकाले हैं। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल जो निकालेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी एस इक्वल टू यूएस प्लस डीएस अपान टू, यूएस प्लस डीएस अपान टू, तो 2 प्लस 6 अपान 2 कर देंगे तो 8/2, इस तरह से मेरा क्या निकल के आ गया है 4 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पे जो है शांत जल में चल रहा है। ठीक है, तो 4 किलोमीटर पर आवर जाने में जो है 5 किलोमीटर कितने देर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है समय लिया गया तो है टाइम जो मेरा लगेगा यहाँ पे धारा की दिशा में चाल, ठीक है, धारा की दिशा में चाल की नहीं, समय इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस क्या है 5 किलोमीटर, स्पीड क्या है यहाँ पे नाव की चाल बी एस। ठीक है, तो 5/4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1:1/4 यानी 1 आवर 15 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1 आवर 15 मिनट। ठीक है, ये घंटे में था, 1:1/4 जो है ये घंटे में था, मैंने इसको कन्वर्ट किया हावर्स में, तो 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे कितना लगा यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, 1 आवर 15 मिनट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स ये वीडियो समाप्त करते हैं, और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जो है सारे अपडेट्स हमारे चैनल के आपको आपके नोटिफिकेशन में मिल सके। तो
धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड डे।